डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब लर्न विद मुदसर और डियर स्टूडेंट्स ईयर फिजिक्स यानी फिजिक्स क्लास ट्वेल्व का चैप्टर नंबर ट्वेल्व जो कि फर्स्ट चैप्टर है उसके नोमिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं और आज हमने नोमेरिकल नंबर ट्वेल्व पॉइंट टेन सोल्व करना है तो हमेशा की तरह क्वेश्चन को समझे गए क्वेश्चन क्या है हमारा जी

क्वेश्चन क्या है कि हमने एक रेफरेंस पॉइंट लेना है इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से वो पॉइंट है जहाँ पे फील्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती यानी फील्ड क्या है जीरो है तो हमने वहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लेना है और फिर हमने क्या करना है एक चार्ज है जो कि अब मूव करता है कितने डिस्टेंस मूव करता है 1.2 मीटर अवे यानी जो रेफरेंस वाला पॉइंट है उससे मूव करता है किधर फील्ड की तरफ मूव करता है तो लाजिम बात है उसका पोटेंशियल चेंज होगा उसके पोटेंशियल में चेंज आएगा और चार्ज कितना है वो फोर इंटू टेन फॉर माइनस एट ये चार्ज है हमने देखना है कि उसके पोटेंशियल में कितना चेंज आता है जब वो रेफरेंस पॉइंट जो कि जीरो जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं जिसका पोटेंशियल जीरो कंसिडर कर रहे हैं वहाँ से वो मूव करता है और अब ए पार्ट और बी पार्ट में हमें ये बताया गया है कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तब जो है वो पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा और अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस टाइम पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या देखते होते हैं डाटा क्वेश्चन से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्वेश्चन से निकालते हैं तो चार्ज हमें गिवन है चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं फोर इन टू टेन डिस्टवार माइनस एट कूलम डिस्टेंस कितना है जी वन पॉइंट टू मीटर और हमने मालूम क्या करना है यानी हमारा टू फाइंड क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल मालूम करना है कैलकुलेशंस में सबसे पहले हम रिलेशन यूज करेंगे रिलेशन क्या यूज़ करेंगे V इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर ये हमारा जो पोटेंशियल है उसमें जो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज है ये आर डिस्टेंस है वो चेंज आना है वो हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे हम वैल्यू स्पोर्ट करना शुरू करेंगे के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसका इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 into 10 रेस्ट पर 9 चार्ज हमें गिवन है कि u चार्ज है हमारा वो कितना है 4 into 10 रेस्ट पर -8 डिवाइडेड बाय r डिस्टेंस है कितना है 1.2 और ये हम a पार्ट सॉल्व कर रहे थे जब चार्ज पॉजिटिव है तो v जो है ओवरऑल जब इन वैल्यूज का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा एगा थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन एज टू पावर टू और क्योंकि ये पोटेंशियल है तो इसका यूनिट क्या होगा वोल्ट्स तो ये सिंपल सा एक हमारे पास नोमरिकल था जिसमें ए पार्ट में हमने चेंज इन पोटेंशियल निकाला है बी पार्ट में सिमिलरली अब जस्ट क्या होगा चार्ज नेगेटिव होगा तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं हम उसको एक नया नाम दे देते हैं वी प्राइम जब वी डैश कह देते हैं वो भी रिलेशन यही है कि क्यों ओवर आर जस्ट आपको ख्याल ये रखना है कि क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो जो साइन है वो यहाँ पे नेगेटिव यूज होगा तो माइनस नाइन इंटू टेन रेजड पार नाइन के हमारे पास जो है वो कितना है फोर इंटू टेन रेजड पार माइनस एट वही वैल्यूज़ हैं और आर कितना था वन पॉइंट टू तो वी प्राइम जो होगा वो माइनस थ्री पॉइंट ज़ीरो इंटू टेन टू और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है तो ये आएगा वोल्ट्स अब ड्यू टू तो नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पे हमारे पास आया है तो ये स्टूडेंट्स ये था ट्वेल्व पॉइंट टेन मेरिकल चैप्टर नंबर ट्वेल्व का यकीन आपको समझ आया होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियोज़ को शेयर और लाइक कीजिए इजाजत चाहते हैं आपसे अल्लाह हाफिज़